जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा वर्ष 2023 पौष पूर्णिमा कब है, तो जानेंगे पौष पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस दिन किन की पूजा करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को पौष पूर्णिमा तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पौष पूर्णिमा तिथि, जो कि पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, और पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, चंद्र देवता का पूजन करना, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। पौष पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी सरोवर आदि में स्नान करनी चाहिए, प्रयागराज काशी आदि में स्नान करने चाहिए, तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। क्योंकि पौष पूर्णिमा तिथि के दिन से ही माघ स्नान जो कि आरंभ हो जाता है, और फिर माघ पूर्णिमा तिथि के दिन तक माघ स्नान किया जाता है, और इस दौरान जो कि भगवान वासुदेव भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, दान पुण्यों का कार्य किया जाता है, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो इस दिन जहाँ तक हो सके जो कि बहते हुए जल में ही स्नान करना चाहिए, या संभव ना हो तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे, और सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्यता को प्रदान करने वाले हैं, सभी प्रकार के आंख की पीड़ाओं को छोड़ करके सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं, तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को इस दिन अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय आप इन मंत्रों का जप करें या उच्चारण करें तो लाभकारी होगा। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशे जगतपते अनुकंप मान भक्त्या गृहाना अर्घ्य दिवाकर। इन मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें, या श्री दिवाकराय नमः या श्री सूर्य देवाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर जो भी पूर्णिमा तिथि का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन दत्त को धारण करना चाहिए, और इस दिन अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए, कुल देवता का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव के मंदिर में जा करके भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाने चाहिए, भगवान शिव के ऊपर बिलपत्र शमी पत्र भांग धतूरा आदि चढ़ाने चाहिए, धूप दीप दिखाने चाहिए, नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए, इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। और इस दिन जो कि पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है, तो संध्या के समय में भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का विशेष प्रकार से अगर पूजन करते हैं, इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि माता लक्ष्मी को विशेष करके खीर का भोग लगाना चाहिए, और संध्या को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, चंद्रमा को जो कि कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य देना चाहिए, दूध में थोड़ा सा शहद मिला करके चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें तो लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष पूर्णिमा तिथि कब है और किस दिन व्रत को रखा जाएगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन कब किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 5 जनवरी 2023 दिन गुरुवार रात्रि 2:15 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति होगी वह 6 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 4:38 पे। तो हमें पूर्णिमा तिथि के लिए जो शुद्ध रूप से समय प्राप्त हो रहा है वह समय जो कि 6 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है, तो इस दिन पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा और इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा, स्नान दान आदि का कार्य किया जाएगा।
पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय का समय जो कि शाम 4:45 और चंद्रास्त जो कि सुबह 6:16। तो इस दिन चंद्रमा को विशेष प्रकार से जो कि शाम 4:45 पे चंद्रोदय है तो आप संध्या के समय में चंद्रमा दिखाई पड़े तो उन्हें अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करें। चंद्रमा जो कि मन के कारक माने जाते हैं और चंद्रमा शीतलता को प्रदान करते हैं तो अवश्य ही चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें, इससे भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्योदय का समय जो कि सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:23। पूर्णिमा तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 10:44 से दोपहर 12:04 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है तो इस बात का ध्यान रखें। पूर्णिमा तिथि के दिन योग जो कि ब्रह्मा योग सुबह 8:08 तक, उसके बाद इंद्र योग जो कि बड़ा ही अच्छा योग है, इस दौरान पूजन आदि का कार्य करें तो अनंत गुना पुण्य फल दायी होगा। नक्षत्र की बात करें तो पूर्णिमा तिथि के दिन आद्रा नक्षत्र जो कि रात्रि 12:14 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। पूर्णिमा तिथि का जो भी जातक व्रत रखते हैं या पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी भगवान सत्य नारायण का पूजन करना चाहिए। जो पूजन नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम स्नान करके भगवान का कम से कम धूप दीप दिखा करके कथा ही श्रवण कर ले तो इससे भी अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं कि माघ स्नान जो भी व्रत करने वाले हैं, माघ स्नान जो करते हैं वो कब से माघ स्नान करेंगे। हिंदू धर्म में माघ स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, जैसे कि माघ कार्तिक और वैशाख महापुनीत महीना माने गए हैं। इसमें तीर्थ स्थान आदि या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान दानादि करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। स्नान जो कि सूर्योदय के समय में ब्रह्म मुहूर्त में अगर करे तो यह बड़ा ही श्रेष्ठ कर होता है। इसके बाद जितना भी विलम्ब हो उतना ही निष्फल होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। स्नान के लिए जो कि काशी और प्रयागराज बड़े ही उत्तम माने गए हैं, वहां न जा सके तो जहां भी स्नान करे वहीं उनका स्मरण अवश्य ही करनी चाहिए, अथवा वेग से बहने वाली किसी भी नदी के जल में स्नान करे, अथवा रात भर छत पर रखे हुए जल पूर्ण घट से स्नान करना चाहिए, या दिन भर सूर्य की किरणों से तपे हुए जल से स्नान करे। स्नान के आरंभ में वरुण देवता का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और स्नान आदि का कार्य करना चाहिए और फिर सूर्य को अर्घ्य देकर हरि का पूजन स्मरण करें। माघ स्नान के लिए ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी और वनवासी चारों आश्रमों के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के बाल युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओं के स्त्री पुरुष या नपुंसक जो भी हो, यह सबको आज्ञा है, सबके लिए यह अति उत्तम है। सभी यथा नियम जो कि नित्य प्रति माघ स्नान कर सकते हैं। स्नान की अवधि या तो पौष शुक्ल एकादशी से लेकर के माघ शुक्ल एकादशी तक स्नान करना चाहिए, या फिर पौष शुक्ल पूर्णिमा तिथि से लेकर के माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि तक, अथवा मकराड़ में मकर राशि पर सूर्य आए उस दिन से कुंभ राशि पर जाने तक नित्य स्नान करें और उनके अनंतर यथा अवकाश मौन रहे। भगवान का भजन कीर्तन करें, ब्राह्मणों को अवारित बिना रोके जो कि नित्य भोजन करवाएं, कंबल मृग चर्म रत्न कपड़े उपाहन धोती और पगड़ी आदि दे। एक या अधिक 30 द्विज दंपत्ति ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को सटरस भोजन करवाकर सूर्य की प्रार्थना करें। इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र सप्त धान्य और 30 मोदक दे। स्वयं निराहार शाकाहार फलाहार या दुग्धाहार व्रत अथवा एक भुक्त व्रत करें। इस प्रकार काम क्रोध मद मोह आदि का त्याग करके भक्ति श्रद्धा नियम नर्मता स्वार्थ त्याग और विश्वास भाव के साथ स्नान करें तो अश्वमेध आदि समान फलों की प्राप्ति होती है
और सब प्रकार के पाप ताप तथा दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी माघ स्नान करने वाले हैं, वो चाहे तो पौष शुक्ल एकादशी से माघ स्नान आरंभ कर सकते हैं, और जो कि माघ शुक्ल एकादशी तक स्नान करे, या फिर पौष शुक्ल पूर्णिमा तिथि से लेकर के माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि तक गंगा नदी सरोवर आदि में स्नान करने चाहिए, तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। पौष शुक्ल एकादशी जो कि इस बार 2 जनवरी 2023 को पौष शुक्ल एकादशी है, इस दिन से आप माघ स्नान आरंभ कर सकते हैं, या पौष शुक्ल पूर्णिमा जो कि 6 जनवरी 2023 से आरंभ है, तो आप इस दिन से भी स्नान आरंभ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।